नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद बाराबंकी तहसील राम सनेही घाट क्षेत्र अंतर्गत बिलहा चौराहे पर बहुजन समाज पार्टी की नगर पंचायत की सेक्टर बैठक हुई संपन्न। बैठक की अध्यक्षता कैंडर के वरिष्ठ लोगों द्वारा की गई, जिसके जरिए एक संदेश दिया गया कि बीजेपी की सरकार में किस तरह से महंगाई अपने चरम पर है। राम सनेही घाट बाराबंकी से मान बहादुर सिंह की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। बहुत कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ होता है और फोन करते हैं काम होता है, तो इस तरीके से मैंने जिसे फराह उठाया जाता है तो अपने लोगों की आज्ञा गया कि पार्टी की है तो इनसे रुकते हैं। तो मैंने हवा की तरीके से नहीं अपनी फोन किया, अपने को अजमाने का भी काम किया। सरकार में जो आता गया वो फोन दरोगा फरोगा करते रहे, काम होता रहा। तो मैंने सोचा क्या इसमें दम होती है, क्या इस तरीके से दुरुपयोग कह लीजिए या सदुपयोग कह लीजिए, उसमें अजमाने का भी मैंने काम किया अपनी सरकार में। वास्तव काम होता रहा। मैं लखनऊ जा रहा था, एक बताया बात अधिकारी हो किसी गाड़ी में जा रहा था तो कहा एक आवाज दिला दो आपके नकुल दुबे जी मंत्री जी, वहाँ पर मंत्री जी हैं, आवाज मिल जाए वो काशीराम वाली। तो कहा ठीक, कोशिश मैं करूँगा। विभागन से परिचय हुआ, मैं उतरा, उसका फोन मैंने ले लिया था। राय बरेली का किसी महिला ने उसको बलात्कार फंसाना चाह रहे, दरोगा बहुत पैसा मांग रहे थे। विभागन से क्या, मैं छोटा था लेकिन मैं वसा रहा था अपनी ताकत को, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन मेरे में क्या ताकत होती, ये सरकार मेरी ताकत है। मैं कहता गया, उसने कहा भद्रोह जी को ऐसे फटकारा कि मैं जिला अध्यक्ष बोलाना निशा बाराबंकी बोल रहा। मैंने इस तरीके से बोला, मैं बोला ना निशा जिला अध्यक्ष बाराबंकी बोल रहा हूँ समाज पार्टी का, पता तो नहीं थी जिला अध्यक्ष हूँ। तो उसने कहा द्रोगा जी आप घूस से मांग रहे इतना पैसा, इस निराकरण से बताइए, ये तो मेरा साथी बताएगा जो है कि आप बता के मुझे अवगत कराएंगे। तो खैर ऐसा कुछ हुआ कि वही मेरा साथी बताया कि सल्ट गया मामला। मुझे घर हुआ करता था तो उसाने का काम क्या है। आप तीन चार सरकारें आपने देखा मेरे समाज के लोगों, मैं आपको चैलेंज करके दिखाता हूँ कि जिस तरीके बहुत समाज की सरकार आएगी तरीके से काम नहीं होगा तो पद छोड़ दूंगा, पार्टी छोड़ दूंगा। कि हम लोग देखता हूँ उन लोग सरकार में रहते हैं टहला घुमा कर काम नहीं हो करता है। ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे तकिया की हमें जानकारी मिली हुई है, ये बस्ती में